हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक प्रोफेसर की। जो वो अपने क्लास को ले रहे होते हैं तो उस क्लास में वो देखते हैं कि एक बच्चा जो हमेशा परेशान रहता है, वो हमेशा खोया रहता है। तो एक दिन वो प्रोफेसर उस बच्चे को बुलाते हैं और वो बोलते हैं, बेटा तुम मुसलसल परेशान रहते हो, क्लास में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हो, क्या वजह है? तो बच्चा बोलता है कि सर, मेरे साथ अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ और उन चीजों को मैं चाहकर भी नहीं भुला पा रहा हूँ। तो कहते ठीक है बेटा, आज शाम में आप मेरे घर पर आइएगा। वो बच्चा शाम में उनके घर पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद वो प्रोफेसर साहब उनके लिए एक शिकंजी बनाते हैं, उस बच्चे के लिए एक शिकंजी बनाते हैं और उस शिकंजी के अंदर जानबूझकर नमक ज्यादा मिला देते हैं। नमक ज्यादा मिलाने से शिकंजी कड़वी हो जाती है। वो बच्चे को सर्व करते हैं, बच्चा उस शिकंजी को पीता है और प्रोफेसर साहब पूछते हैं, बेटा शिकंजी कैसी लगी? तो वो कहता है ठीक है, पर टेस्ट कैसा है इसका? तो वो कहता है कुछ कड़वी हो गई है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि लाओ मैं शिकंजी को फेंक देता हूँ, आपके लिए दूसरी बना के लाता हूँ। बोला नहीं सर, इसको फेंकने की क्या जरूरत है, इसके अंदर आप थोड़ी चीनी डाल दीजिए, ये शिकंजी ठीक हो जाएगी। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं बिल्कुल सही फरमाया तुमने, ये हमारी जिंदगी के साथ भी है। जो हमारे पीछे की जो कड़वी यादें हैं, जो हमारे बैड एक्सपीरियंस है अतीत के, वो तो खत्म नहीं हो सकते, लेकिन उसके अंदर हम अगर मिठास भर दें तो जिंदगी हमारी खूबसूरत हो जाएगी और हम बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को जीने लगेंगे और हमें जीने की एक वजह मिल जाएगी। यही तुम्हें अपने साथ करना है। जो अतीत की चीजें हैं उसको भूलो और आज के टाइम में अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ, मिठास भर के इसके अंदर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट हमारे पास है उसको हम एक खूबसूरत बना सकते हैं। इसीलिए इसके लिए एक शायरी है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया।